Hi, this is Muskan Bamne. Hi, this is Akriti Mehra. Hi, this is Saksham. And you're watching on Telefilms. Thank you. शुरुआत आपसे ही होगा एज अ सिंगर जी. जब भी गाना आता है, हाउ डू यू सी द सॉन्ग एंड इस सॉन्ग को लेके किस तरह से विजन था? बेसिकली जब मैंने सुना इस गाने के बारे के इस गाने के कॉन्सेप्ट के बारे में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मतलब मुझे आनंद सर ने बताया ऐसा ऐसा गाना है, तो मैंने सबसे पहले तो वही थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं उनको कि सोलो गाने के लिए उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया और बुलाया. और बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक गाना है और मुझे गा के बहुत मज़ा आया इस गाने को. जी, रिकॉर्डिंग, टू बी ऑनेस्ट, ये गाना उन्होंने मुझे गवाया था आज से 5-6 साल पहले. काफ़ी पुराना गाना है. और फिर मतलब कुछ हुआ नहीं, सब चलता रहा, कुछ ना कुछ लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के पहले वो सारी चीज़ें होती रही. फिर फाइनली अब जब मुझे पता पड़ा कि हाँ वो रिलीज़ हो रहा है जी म्यूज़िक से, तब जाके बहुत खुशी हुई मन में कि चलो इट्स फाइनली रिलीजिंग. थैंक यू. मुझ तक तो इनके थ्रू ही पहुंचा. काफ़ी मतलब हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, फिर काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी टाइम बाद यू नो कॉल आया कि यार हम साथ में कुछ करते हैं, तो एक म्यूज़िक वीडियो बनाना है जिसके लिए यू नो वी वुड लाइक टू हैव यू. तो वैसे सब हुआ और आई जस्ट लव्ड इट यार. सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल है और यू नो इन्होंने गाया इतने प्यार से है, तो इट्स जस्ट मी. केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं थी. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम मिले ही शूटिंग के 5 मिनट पहले थे, तो केमिस्ट्री डेवलप करनी पड़ी हमको एक दूसरे को जानना पड़ा. हम जब भी शॉट लेते थे तो मैं मुस्कान से कोई जनरल क्वेश्चन पूछता था. मतलब पहला तो जब शॉट का पहले सीन में तो मैंने मुस्कान को अपना नाम बताया था, उसको मेरा नाम भी नहीं पता था. फिर केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होती गई. मुस्कान ने बहुत कुछ सिखाया बीच बीच में बीच बीच में. जैसे मान लीजिए कि पहला सीन था कि मैं मुस्कान का हाथ पकड़ के अपनी करीब खींचना था. मुस्कान को करीब खींच के मैंने बोला हाय मुस्कान, आई एम सक्षम. वो इंट्रोडक्शन हुआ हमारा. फिर बीच बीच में कभी कभार सीन में, जैसे एक बार सीन में हुआ कि मुस्कान गिरने वाली थी डांस करते वक्त, तो उसको मैंने पकड़ा वहाँ पे. ऐसे करके फन पार्ट थे, तो अपने आप जेल हो गए थे हम साथ में. इट वॉज फन. नहीं, वो आप कुछ भी नया शूट करो तो कैसे अंदर से रहता है ना, नर्वस हम सब होते हैं चाहे हम कितना भी काम कर लें. लेकिन जब कोई भी आपका काम नया आने वाला होता है तो उसके लिए एक नर्वसनेस होती है, तो शायद वो इनके फेस पे दिख रही है. बट शूट के टाइम में नर्वस नहीं थे ज़रा. ड्यूरिंग द शूट पूरी टीम इतनी अच्छी थी, मतलब हमने इन अ डे पूरा सॉन्ग शूट कर लिया और पता भी नहीं चला कि इतने जल्दी शूट कर लिया और बहुत ही मज़ा आया. बिल्कुल गाने की बिल्कुल. ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, तेरे नैनों से नैना मिले तो, तेरे नैनों से नैना मिले तो मेरे नैना होने लगे बावरे. ओ सांवरे, ओ सांवरे. थैंक यू. इतनी प्यारी आवाज़ आपने सुनी है कहीं?